नेपाल पर 3 हफ्ते से भी कम समय में एक और भूकंप का हमला होता है। पहला भूकंप 25 अप्रैल को काठमांडू के उत्तर पश्चिम में तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आया था। उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। उसके आफ्टरशॉक्स पूर्व की तरफ पूरे नेपाल से होते हुए माउंट एवरेस्ट की तरफ फैल गए। दूसरे अर्थक्वेक का एपिसेंटर काठमांडू और माउंट एवरेस्ट के बीच में था। शुरू में इसका मैग्नीट्यूड था 7.4, फिर इसे 7.3 बताया गया। हाँ। ओ, ये रहा। ये है आज का भूकंप। अच्छा। ये देखिए। हाँ हाँ। ये ऑरेंज कलर वाला सही है। ये है मुख्य शॉक और ये है आफ्टर शॉक्स। आज के अर्थक्वेक्स एनर्जी को माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ा रहे हैं जो यहाँ मौजूद है। तो अगर कल या उसके अगले दिन या फिर अगले हफ्ते में 30 किलोमीटर और आगे कुछ और आफ्टर शॉक्स आते हैं तो हमें हैरानी नहीं होगी। ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालय अचानक ही अपनी जगह से खिसक रहा है और ये पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। ये अर्थक्वेक इतिहास बनाने वाला है क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। साइंस के हिसाब से ये कमाल की चीज़ है जबकि लोगों के लिए ये डरावना है। दूसरे भूकंप की वजह से नेपाल में और ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में 5000 से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए, खासकर सिंधुपाल चौक इलाके में। ये नेपाल की संसद के सत्र की तस्वीरें हैं जब एक दूसरे बड़े भूकंप ने नेपाल को हिलाया। जब ये झटके आने शुरू हुए तब साइंटिस्ट रॉजर विलहम काठमांडू में ही थे। ओके, करीब 1 मिनट पहले एक बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया था। हमें इसका सेंटर तो नहीं मालूम लेकिन शायद ये काठमांडू से करीब 20 या 30 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह से पूरी वादी वैसे ही हिलने लगी जैसे कि पहले वाले बड़े भूकंप में हिली थी। सब लोग बहुत डर गए थे, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम जिस कार में सफर कर रहे थे वो कभी पीछे तो कभी आगे की तरफ झूल रही थी। कार को हिलाने वाले ये छोटे छोटे मूवमेंट्स में अब भी महसूस कर सकता हूँ। ये सब बहुत ही अजीब था। लगता है झटके शायद अब भी आ रहे हैं। ओह गॉड। मैंने लोगों को खुले इलाकों में अपनी बाहें आसमान की तरफ उठाए देखा जैसे कोई चीज उनसे टकराने वाली हो, जबकि ऊपर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और पक्षी थे। वो डरे हुए ये सोच रहे थे कि कोई चीज आसमान से गिरेगी और उन्हें मार डालेगी। इस बीच ये लोग अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कितने डरे हुए थे ये आप उन्हें देखकर ही समझ सकते हैं। लोग ऐसा तभी करते हैं जब वो इससे भी बुरे झटकों से उभरे हों। और मुख्य भूकंप के दौरान 16 दिन पहले ऐसे ही हुआ था। पूर्व में पहले भूकंप आए थे, उसके अलावा सुदूर पश्चिम में भी भूकंप आते रहे हैं। इन दोनों के बीच एक फर्क मौजूद है। हो सकता है कि वो फर्क घटता जाए। कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी नेपाल में भी शायद भविष्य में भूकंप आ सकता है। ये हालात बहुत डराते हैं। हमें मालूम है कि हिमालय में 8.6 की तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं और इस बात की कोई वजह नहीं है कि इतनी तेजी वाले भूकंप पश्चिम में अगले 10 साल में या अगले 10 मिनट में क्यों नहीं आ सकते। जब भूकंप आया तो शॉक वेव्स पृथ्वी के भीतरी हिस्सों से होती हुई उसकी सतह तक पहुंच गई। काठमांडू से 11,200 किलोमीटर से ज्यादा दूर अमेरिका के कोलोराडो में जियोलॉजिकल सर्वे को नेपाल में आए भूकंप के सिग्नल मिले। इस बात ने प्रोफेसर रॉजर विलहम को चौकन्ना कर दिया जो 30 साल से भी ज्यादा समय से हिमालय में अर्थक्वेक्स को स्टडी कर रहे थे। मैंने फौरन अपने बैंक अकाउंट में चेक किया कि मेरे पास कितना पैसा था और मैंने काठमांडू जाने वाली अगली ही फ्लाइट का टिकट खरीद लिया। ये बहुत जरूरी होता है कि आप जल्द से जल्द भूकंप के एपिसेंटर तक पहुंचे क्योंकि इससे जुड़ी डिटेल्स काफी जल्दी ही मिटने लगती हैं। छोटी छोटी फॉरेंसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होती हैं। उसी के जरिए अर्थक्वेक्स के दौरान उसके एक्सेलरेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। इस अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। 2010 में जब हेटी में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था तो वहां 3,16,000 लोग मारे गए थे।
इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 32 गुना ज्यादा थी, लेकिन हाल ही में नेपाल में आया 7.8 तीव्रता वाला भूकंप उससे कहीं ज्यादा भयंकर था। इसमें हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 504 गुना ज्यादा ताकत थी। हिमालय में हमने स्लिपिंग की घटना को कभी दर्ज नहीं किया था, लेकिन इस बार भूकंप के दौरान जो दर्जनों इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे थे वो हमें डिटेल में इस स्लिप के बारे में बताते हैं। ये अर्थक्वेक पृथ्वी के क्रस्ट के दो बड़े टुकड़ों के टकराने के कारण पैदा हुआ था। 5 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस टक्कर की वजह से हिमालय का जन्म हुआ था। इंडियन प्लेट हर साल तकरीबन 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ खिसक रही है। ये प्लेट्स एक दूसरे को पुश करती हैं, जिससे जमीन के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। 25 अप्रैल को जब जमीन में तकरीबन 16 किलोमीटर की गहराई पर इन दो प्लेट्स के बीच फॉल्ट फटा तो इसका कुछ प्रेशर बाहर आया और उसी से ये भूकंप पैदा हुआ। इस भूकंप की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये हमें उन प्रोसेसेस के बारे में काफी कुछ बताता है जो हिमालय के नीचे चल रहे हैं। ये जगह काफी कमाल की है। उम्मीद करते हैं कि बेस कैंप पर हमारी किस्मत ज्यादा साथ देगी। शायद हम ज्यादा लकी हों। पाने के बाद जिंदा बचने से जुड़ी और कई कमाल की कहानियां सामने आने लगी। एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद क्लाइमर पॉल डेवेनी एवलांच के काफी करीब थे। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। नीचे झुक जाओ। ओ माय गॉड, ये बहुत खतरनाक वाला था, बहुत बड़ा था। ओ गॉड, सेव अस। ठीक है, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। कम बच गए। कैंप के बीच वाला हिस्सा तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसका सफाया हो चुका है। वहाँ एडवेंचर कंसल्टेंट्स मौजूद थे, बीच वाले हिस्से में काफी टेंट्स थे, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। ओह गॉड, ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना था। ये जगह किसी वॉर जोन जैसी लग रही थी। ये देखिए, ये हमारा कैंप। देखिए इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। भूकंप को आए करीब 40 मिनट बीत चुके हैं, पर सब लोग अब भी काफी सहमे हुए हैं। अब प्रायोरिटी लोगों को ढूंढना है। शेरपा कहाँ है? क्लाइंबर्स कहाँ गए? यहाँ वाकई काफी जबरदस्त तबाही हुई है। इसे देखकर यूं लग रहा है जैसे यहाँ कोई प्लेन क्रैश जैसा हादसा हुआ है। ये सब कुछ बहुत डरावना है। बेस कैंप एवलांच में आइस, स्नो और चट्टानों का जानलेवा मेल था। ये एवलांच इतना बड़ा था कि जब ये रुका तो इसने पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता ही रोक लिया। पूरा ग्लेशियर बड़े जोर से उथल पुथल मचा रहा था, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये तो कुछ और ही था, बिल्कुल तूफान जैसा। पहले हमने इसे देखा और उसके बाद हमने बड़ी ही तेज रफ्तार से अपनी तरफ उड़कर आती एक बर्फ की दीवार देखी, जो कि जाकर हमारे टेंट से टकरा गई। मेरा ख्याल है कि जब तक वो हम तक पहुंची उसकी काफी ताकत खत्म हो चुकी थी, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे टेंट और किचन इक्विपमेंट की वजह से ही ज्यादा चोटें लगी, क्योंकि वो काफी फोर्स के साथ हमारी तरफ आ रही थी, और कुछ लोग तो अपनी तरफ आते मलबे से ही जख्मी हुए। जो लोग भी यहाँ खड़े थे उन्हें इस मलबे ने उठाकर खिलौनों की तरह कैंप के बीच वाले हिस्से की तरफ फेंक दिया। बहुत ही डरावना मंजर था वो। शाम का वक्त है दोस्तों, और करीब 8 बजे होंगे। कुछ कहने को नहीं है। इस भूकंप के नतीजे में आज 11 लोगों की जान जा चुकी है, और शायद 15 लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी झूल रहे हैं। यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें।
उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। इस पहाड़ के एक्सपीडिशन की हिस्ट्री में उन्होंने बेस कैंप पर ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। शायद सभी लोग शॉक में थे यार, और मैं भी। शायद मैं लकी हूं कि ये सब झेलने के बाद भी आज जिंदा हूं। पॉल और दूसरे क्लाइंबर्स को ये बुरी खबर बाद में पता चली कि तबाही सिर्फ एवरेस्ट पर ही नहीं हुई थी, बल्कि पूरा नेपाल ही बर्बाद हो गया था। हमें पता चल रहा था कि 2500, 3000, 4000 लोग मारे जा चुके हैं, और धीरे धीरे ये तादाद 5000 तक पहुंच गई, और हमें ये अंदाजा हो गया कि ये एक नेशनल डिजास्टर था, और बेस कैंप में जो कुछ हुआ वो इस बड़ी ट्रेजेडी का एक छोटा सा हिस्सा भर था बस। लेकिन ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। कई दिनों तक आफ्टरशॉक्स जारी रहे। इमारतों के गिरने का खतरा बराबर बना रहता था। रेस्क्यूअर्स जिंदा बचे लोगों को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। भूकंप आए 5 दिन बीत चुके थे और अब किसी के जिंदा बचने की गुंजाइश कम ही थी। हमें बताया गया है कि एक खाली जगह से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। हमारे साथ इस वक्त एक सर्च रिकॉन्नेसेंस टीम है। हम वहां जाएंगे और हो सकता है कि उस शख्स को ढूंढ पाएं। मलबे के नीचे 15 साल का एक लड़का फंसा हुआ है। इसे कहते हैं एंटोमेंट। ये लड़का कुचला तो नहीं गया था। वो लड़का एक बॉक्स के अंदर था और उसके चारों तरफ हैवी कॉन्क्रीट मौजूद थी। एक पुलिस वाला रेंग कर वहां तक पहुंचा और उसने लड़के से बातचीत की। पहले मैंने वहां ठकठकाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कई बार आवाज लगाने के बाद एक लड़के ने जवाब दिया। मलबे के नीचे पेम्बा तमांग लगातार कमजोर होता जा रहा था। 5 घंटों से उसे बचाने वाले उसे मलबे से बाहर निकालने में जुटे हुए थे। जब मैं उस तक पहुंचा और पहली बार उसके चेहरे पर रोशनी डाली तो वो बहुत ही हैरान हो गया। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम उसे यहाँ बचाने आए हैं, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे कहा कि वो शांत रहे और भरोसा ना छोड़े, हम तुम्हें बचा लेंगे। मौतों के बाद पेम्बा के इस हैरतअंगेज ढंग से बच जाने से नेपाल के लोगों की थोड़ी हिम्मत बंधी। जब भूकंप आया तो तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? जिस वक्त भूकंप आया उस समय मैं खाना खा रहा था। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो दीवारें मुझ पर टूट के गिरने लगी। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंट और दूसरे लोग भी वहीं थे, पर शायद वो मलबे में दब गए। मुझे कई बार जमीन का हिलना महसूस हुआ, शायद भूकंप आ रहा था। सब कुछ हिल रहा था। पता नहीं कितने घंटे में मलबे के नीचे था। मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था। तभी मुझे रोशनी दिखाई दी और मैं उठा, और मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ, कोई बहुत ही भयानक सपना। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, पर ये कह रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। आपने इतना मुश्किल काम कर दिखाया, आपको कैसा लग रहा है? उसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया। रियली ग्रेट जॉब। ये लीड ऑपरेटर हैं, इन्होंने ही इस काम को पूरा किया है। बेशक ये एक कामयाब रेस्क्यू था लेकिन नेपाल अब भी खतरे में था। एक्सपर्ट जियोलॉजिस्ट्स ये जानने के लिए नेपाल पहुंच जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। प्रोफेसर रॉजर बिलहम उन्हीं में से एक हैं।
ईश्वर ना करे ऐसा हो, पर ऐसा ही एक और बड़ा भूकंप। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अर्थक्वेक मॉनिटरिंग स्टेशन पहुंचकर डेटा इकट्ठा करना होगा ताकि ये अंदाजा लगा सके कि अगला भूकंप कहां आ सकता है। नेपाल में हम जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे ताकि डेटा को इकट्ठा कर सके, वरना ये बर्बाद हो जाता। वजह यह है कि दिमाग इतनी तेजी से आंकड़ों को इकट्ठा करता है कि बहुत तेजी से इसका स्पेस भरने लगता है, और जब मेमोरी फुल हो जाती है तो ये फिर से ओवरराइड करने लगती है। 33 किलोमीटर दूर है। जॉन गैलेंट्स का हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे नेपाल से इन डेटा को इकट्ठा करने में बिजी थे। ये काम डेटा के बर्बाद होने से पहले किया जाना था, ऐसा करना बहुत ही जरूरी था। जॉन फ्लाइट से सीधे एक GPS स्टेशन पहुंचते हैं जो अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा था। वो अभी लौट आएंगे, वो कुछ घायलों को लेकर आएंगे। ओके, तो शायद 4 में से ये एक स्टेशन रप्चर वाली जगह के ठीक ऊपर है। ये एक कॉन्टिन्यूस GPS स्टेशन है। ये यहाँ जमीन में शायद 1.5 या 2 मीटर अंदर तक गड़ा हुआ है, काफी मजबूती से। इन स्टेशन की पोजिशन GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नापी जा रही है। GPS सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी का चक्कर काटकर जमीन पर मौजूद GPS स्टेशंस को रेडियो सिग्नल्स भेजती रहती हैं। अगर स्टेशन की पोजीशन जरा सी भी बदलती है तो उसकी रिकॉर्डिंग खुद स्टेशन ही कर लेता है। ओके, स्टेशन काम कर रहा है, हम डेटा को डाउनलोड करने वाले हैं। ये हाई सैंपल रेट डेटा हमें जमीन के शेकिंग और स्ट्रॉन्ग मोशन को, और साथ ही बिग साइस्मिक वेव्स और प्लेट्स के मूवमेंट्स को एक ही वक्त में बता देगा। तो ये स्टेशन 10 दिन पहले ठीक यहीं पर था। जी हाँ, 10 दिन पहले। और फिर भूकंप आया। भूकंप आने से, साइस्मिक वेव्स के पैदा होने से और प्लेट्स की शिफ्टिंग और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये एंटेना उस जगह से यहाँ पर पहुँच गया जहाँ अब आप इसे देख रहे हैं। सभी 37 GPS स्टेशन से डेटा इकट्ठा करके इन लोगों को इस बात की डिटेल मिल जाएगी कि टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह मूव हुई हैं और नेपाल का लैंडस्केप किस तरह हमेशा के लिए बदल गया है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हिमालय में हमेशा भूकंप आते रहेंगे, लेकिन अगर ये लोग ज्यादा मजबूत घर बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकारी बहुत सी जानों को बचा सकती है। इन बड़ी वेव्स की वजह से लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, वो जमीन पर गिर जाते हैं, इसलिए हमें ऐसी बढ़िया इमारतें बनानी होंगी जो इन जबरदस्त फोर्सेस को झेल पाए और नुकसान ना हो। ये अर्थक्वेक किसी इजिप्शियन स्ट्रक्चर जैसा है जिससे हिस्ट्री की कई जानकारी मिलती है, जैसे कि GPS यूनिट्स, सैटेलाइट रडार, इंटरफॉर्मेटरी, साइस्मिक नेटवर्क। ये सब ऐसे हाईटेक डिवाइसेस हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और यही नहीं, हम ये भी जान पाएंगे कि अतीत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा, यानी हम इस भूकंप से बहुत कुछ सीख पाएंगे। पूरे नेपाल में इस भूकंप की वजह से 7 लाख से ज्यादा इमारतें या तो तबाह हुई या उन्हें नुकसान पहुंचा। ये भूकंप शुरू होने के वक्त भक्तपुर की तस्वीरें हैं। ये नेपाल की पुरानी राजधानी और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुकी है। इसके तकरीबन 8 किलोमीटर उत्तर में संखू भूकंप से सबसे ज्यादा बर्बाद हुए शहरों में से एक है। यहाँ लगभग पूरा इलाका ही मलबे के ढेर में बदल चुका है। यहाँ मरने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। लीजा सुनील के स्टूडेंट्स में से एक है। जब भूकंप आया तो मेरी माँ और बड़ी बहन घर पर थे, इसीलिए दोनों की साथ ही मौत हो गई। उस समय मैं कॉलेज में थी, और जब मैं घर पहुंची तो दोनों मर चुके थे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ये सब के लिए दुख का समय है। यहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने वाले के शरीर को 3 बार
बागमती नदी में डुबकी लगाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर अस्थियों को पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। परिवारों से कहा गया कि वो अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर दें ताकि बीमारियां ना फैल जाएं। मेरी तो जान ही जाने वाली थी, लेकिन मैं किसी तरह से बचकर भाग निकला। भागने की वजह से जिंदा बचा। जब मैं भाग रहा था तो दाएं बाएं के घर गिर रहे थे। मेरे साथ एक आदमी भी भाग रहा था जो कि बच नहीं पाया। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई थी कि भाई, इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। जिस घर में रहता था उसमें अपने परिवार वालों को और बाकी लोगों को मरा देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अगर परिवार के सदस्यों में से चार मारे जाएं तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है। हम यहाँ अंतिम संस्कार करने आए हैं। और ये दर्द अब हमेशा हमारे साथ रहेगा।